और मुझे शुक्र है अपने रब का कि उसने मुझे काबिल समझा कि उसने मुझसे मेरी औलाद औलादी आज कल की लड़कियाँ जो फील्ड में आना चाहती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ऊपर जाने के लिए उनको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा आपको जब ये ऑफर्स आई तो आपका क्या रिएक्शन था ऑनियर बता रही हूँ मैंने मारा है लोगों को थप्पड़ मुक्के मारे आधे से ज्यादा मीडिया मेरा नाम सुन के कहता रिदास फानी नहीं बदला लेना चाहे एक बंदे से किससे लेना चाहेंगे मैंने माफ़ किया मेरा रब भी माफ़ करे मेरा साथ नहीं मुझे कहना ही नहीं कुछ मेरा रबता ही नहीं कोई जिसे छोड़ दिया छोड़ दिया बस मूव ऑन खैर उस दिन जब मेरे अबू के साथ अच्छा उसके बाद हम मजे की बात सुने मेरे यानी मदद नाते फोन की लाइट ऑन करें अस्सलाम वालेकुम हज़रात मैं हूं नादिर अली सफारी पार्क से उठाया इनको और लेकर आया अबुल हसन असवानी लोगों ने देखा इनको और कहने लगे अरे ये तो है रिदा <laughs> असवानी वालेकुम कैसी है सलाम मैं ठीक आप कैसे ठीक ठाक ऐसा लग रहा है ऐश्वर्या राय से टूट के गिरी है। <laughs> अरे बड़ी मोहब्बत आपकी वैसे वो मेरी फेवरेट है है ना मेरी भी फेवरेट है तो उनके बारे में तो ये गाना आया था कि जब भी कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले पकड़ ले पकड़ ले <laughs> ये गाना उन्हीं के लिए तो आया है रिदा आयानी जी कहा गायब है मैं आपके शो पे नहीं गायब हुई नहीं है आप ये तो अभी मेरे शो में तो आपको हमने पकड़ लिया है और आवाम को दिखा दिया है कि रिदा स्वाणी यहाँ है जी. लेकिन इससे पहले कहाँ है आप इससे पहले अभी मेरा एक शो चल रहा है जी टी वी पे हाँ और एक हाँ जी और एक ड्रामा सीरियल ऑन रिकॉर्ड है वो जनवरी में ऑनियर होगा इंशाल्लाह अच्छा कितने ड्रामे कर लिए है कितने सोप करने हैं कितनी फिल्में की नहीं की क्या सिलसिला है देखें नंबर ऑफ़ ड्रामा सीरियल्स तो मैं नहीं बता सकती आ, लेकिन काफ़ी कर लिए माशाल्लाह और सोप्स तो मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा ही किए हैं ए आर वाई जियो पे हर जगह सोप्स भी बहुत किए हैं और आगे कितना करना है ये भी नहीं बता सकती क्योंकि काम का पैशन आपको पता है कि वो तो बस आ, लाइफ टाइम चलता रहता है इस काम का पैशन ऐसा है आपको पता है अच्छा रिजा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ सवालत हैं जो कि डी मैं चाहता हूँ कि आज उस पर आप लपकुशाई करें जी एक लड़की की प्राइवेसी बहुत मैटर करती है जब वो आउट होती है तो वो जहनी तौर पे जाहिर है एक बहुत डिप्रेशन ट्रॉमा, फैमिली को फ़ेस करना ख़ानदान को फ़ेस करना आप एक स्कैंडल के जद में आई उसके बाद आपने इसके हवाले से कुछ भी नहीं बोला मैं चाहता हूँ कि आज उस पर आप बोलें वो क्या मामला था अच्छा देखें आ, मेरे ख़्याल से नादिर ये शर्फ आपको ही हासिल होगा कि वाकई मैंने इस पर कुछ नहीं बोला ऑलमोस्ट इट्स बिन सेवन ईयर्स सात साल की खामोशी के बाद आ, आज मैं इस पर इसलिए बात कर लूँगी यहाँ पे क्योंकि आप एक वो लड़के हैं जिसे मैंने देखा है कि औरत की इज़्ज़त करते हैं आप बेशक आपका जॉन्ड्रा कॉमेडी है लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि आप जिस तरह से बात करते हैं वो चीज़ तारीफ के काबिल है दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपने ख़ुद इस चीज़ को एलेबोरेट किया कि दैट वाज अ पर्सनल थिंग वो एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है जो हर इंसान की होती है और अगर उसको मतलब इस तरीके से ट्रस्ट को ब्रीच किया जाए तो ये मैं समझती हूँ एक इंसान का नहीं पूरी इंसानियत का कत्ल है और इसके लिए अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा देखिए नादिर मैं और आप तो शायद हम तो हमारा माशरा वो है हम हर किसी को जज करते हैं सुपर जजमेंटल कौम है हम वो ऐसा है उसके कपड़े ऐसे हैं उसकी वॉच ऐसी है उसका शौहर ऐसा है उसकी बीवी ऐसी उसकी फ़ैमिली ऐसी इन रियालिटी वी आर नो बडी टू जज एनी बडी एनी वन बिकॉज आपको वो एक इंग्लिश का मुहावरा ना कि किसी को जज मत करो क्योंकि तुमने उसके शूज़ में वॉक नहीं की दैट मीन्स तुम्हें नहीं पता कि उसके सर्कम्स्टांसिस क्या हैं बाकी मैं ये बात समझती हूँ वह तो इज़्ज़ों मनतशाओ वह तो ज़िलों मनतशाओ अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है ले के भी आजमाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला मेरे ख्याल से फ़ौन ही सज़ा दे देता है मेरा ख्याल से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगेन इसको जज मत करे कोई कि अल्लाह ताला चाहता है कि इतनी ढील ही ना दी जाए कि चीज़ें आगे जाएं वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरा है मेरे करीब ही रहे तो लेसन होते हैं जिंदगी के लेकिन बहरहाल इस स्कैंडल से रिलेवेंट मैं यही आपसे कहना चाहूँगी नादिर और हर किसी से कहना चाहूँगी कि, कि कोई भी लड़की या कोई भी औरत अगर आप पे ट्रस्ट करती है आपको उससे कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है अभी हमने देखा रिसेंटली हस्बैंड ने बीवी को मार दिया सबको पता है इस्लामाबाद का मशहूर तरीन अच्छा। अब वो क्या था मतलब एक बीवी जो वो कैने कैनेडियन नेशनल थी वो लड़की आपको पता है दुबई में उसकी जॉब कितनी हाई प्रोफाइल होगी यहाँ पे आई हस्बैंड के पास फार्म हाउस में क्या हुआ जी मार दिया गया क्या एक्सरसाइज एक्सरसाइज डम्बल्स मैं बता रही हूँ ऑनर किलिंग इस पर मैं एक छोटी सी एक बात कहना चाहूंगी कि ऑनर कि किलिंग थी ना आपको लगता था कि वो आपके ट्रस्ट को ब्रीच कर रही है तो आपने उसको डम्बल्स से मार मार के मार दिया ठीक है और आपने बार टब में उसको फेंक दिया और ऑनर किलिंग थी तो आपने उसको जिस तरह से फेंका तो बाद में जो न्यूज़ रिपोर्टर्स और पुलिस और जो सारे लोग आए उन्होंने फिर उसकी बॉडी को लाइक कवर किया चीज़ें की तो आपकी गैरत उस टाइम पे कहाँ थी आपकी तो बीवी थी ना वो मतलब मेरा पॉइंट मैं किसी को जज नहीं कर रही मतलब इस बात के बाद पता नहीं क्या हो लोग बोलें कि ये इस तरह की बातें करी ऑनर बैठ के नहीं वो लड़की थी वो किसी की बेटी थी वो किसी की बहन थी वो एक ह्यूमन बींग थी और आप उसके हस्बैंड थे तो मतलब जो ट्रस्ट ब्रीच करने की या प्राइवेसी लीक करने की बात है तो वो मतलब अब हर रिलेशन में कुछ नहीं पता आपको आप सेफ ही नहीं है कहीं पे सॉरी मैं आपकी बात कर रही मेरे सारे सवाल बेस होकर निकले जी, जी, जी। आप जो बात कर रही है तोड़ा हाँ, तो किसने तोड़ा आ, क्या मतलब वो जो स्कैंडल वाली बात कर रही है आपके मेरा ट्रस्ट तोड़ा गया हाँ जी तो वो किसने तोड़ा वो आपका मंगेतर था वो मेरे मंगेतर था कहना चाहूंगी Uh, के मतलब उस टाइम पे मेरे करियर का स्टार्ट था और कोई भी लड़की मीडिया में आने के बाद इतनी जल्दी शादी भी नहीं करती सही है, है। और वो मेरे आ, सेक्ट के भी नहीं थे मेरी फैमिली मतलब हमारी कास्ट हम लोग सैयद शिया बिल्कुल डिफरेंट थे वो फिर भी मैंने अपने पेरेंट्स को उनके लिए एग्री किया क्योंकि मेरे मुझे ऐसा लगता था लाइफ में ये सब होना था वो तो हो गया लेकिन उससे पहले मैं एक इस टाइप की लड़की थी कि हाँ वन मैन और उसी से मंगनी उसी से शादी और नो no अफेयर और नो उसका और इससे पहले मेरा कोई मैंने आज तक किसी एक्टर के साथ डेट नहीं किया ये पूरे मीडिया को हो जाता है लाइक जिस एज में हम लोग आए थे सब लोग सारे मैंने इतने एक्टर्स के साथ काम किया और रिपीटेड प्रोजेक्ट्स पाँच पाँच छः छः प्रोजेक्ट्स मैंने सेम हीरो hero या हीरोइन के साथ किए कुछ भी मैंने मेरा कोई इस का मामला क्यों नहीं रहा मैं अपने वाला चीज मतलब नहीं। एक मेरी सोच थी फिर उन्होंने बोला मेरी बहन की शादी होगी फिर हम करेंगे फिर मेरा उनसे फैमिली टर्म्स न्याजें जा रही हैं मजलिसों में आना जाना सारी चीजें और वो भी मीडिया के ही थे और लोग ये कहते थे मतलब अगर वैसे डिस्कस किया जाए अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग उनके पास ना वो कोई बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं वो एक डीओपी थे मतलब ठीक है डीओपी एक बहुत आ, बड़ा मेरी नज़र में एक डिपार्टमेंट है कि जो अभी भी हमें जो दिखा रहे हैं तो वो आ, कैमरे रहे के पीछे डीओपी दिखा रहे हैं तो मतलब यूजुअली हमारे यहाँ एक्टर कभी डी को मतलब एक्ट्रेस डेट नहीं कर रही होती आमतौर पर मैं एक चीज़ अब आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ कोई इसको जज ना करें तो उनके पास ना कोई वो बहुत ज़्यादा वेल्दी रिच या कोई इस तरह का मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो एक उनकी तरफ से फर्स्ट एक प्रपोजल आया और मैंने कहा ओके okay, ठीक है इन्हीं से करनी हमने प्रोजेक्ट खत्म किया आ, उसके बाद हमारी कोई ऑलमोस्ट थ्री इयर्स की इंगेजमेंट रही फिर अमेरिका के वीजे उस टाइम पे यूएसए के सब ने लिए थे ना तो मैंने कहा कि मैं ट्रैवल करके आती हूँ उन्होंने कहा आप करके आ जाएं और पीछे से मतलब इस तरह की चीज़ें हो गई तो ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली मेरे अबू मीडिया में सब जानते हैं मेरी अम्मी मेरे भाई भी ऑलमोस्ट अभी तो खैर नहीं होते पाकिस्तान में तो मतलब मेरी फैमिली को सब जानते थे कि मतलब वही वाली बात है कि अगर इस किस किन अल्फाज में मैं कहूँ कि दैट वॉज़ ऑल पर्सनल थिंक उसके पीछे कोई लोगों ने कहा पैसों का लालच होगा ये होगा वो होगा तो अगेन जज किया गलत किया मुझे पता है अल्लाह को पता है या जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है लोगों ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप ये मैंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो गलत जिस कुछ सोचना है वो तब भी सोचेगा और जो मेंटल ट्रामा या जो तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा मुझे अपनी तकलीफ से ज़्यादा उन लोगों की तकलीफ़ का एहसास और दुख है आज तक जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की किया जो मुझसे मुझसे मुंसलिक थे क्योंकि उनका तो इसमें कोई कसूर ही नहीं था ना गलती मेरी ट्रस्ट मैंने किया जो भी था हुँ. तो उनको उस चीज़ के लिए क्यों पे ऑफ करना पड़ा तो ये मेरा गिल्ट है एक्चुअली मेरा गिल्ट ये नहीं है कि लोग मुझे कैसे जज करते हैं नहीं क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हुँ. वो बात है ना कि उससे हक है कि हमें गलत ही समझे जो हमें नहीं जानता तो सीधी सी बात है मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं नहीं कह सकती ये बात मगर मुझे ये पता है कि ये एक तकलीफ मेरे साथ मेरी खबर तक जाएगी हाँ मुझे अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है मैं हर बार मांगती हूँ लोगों ने अभी तक माफ़ नहीं किया आ, लोग नहीं माफ़ करते नादिर लोग कहाँ माफ़ करते हैं लोग तो कहते हैं कि जी अगर ये थोड़ा सा किसी से डिस्प्यूट हो जाए प्रोफेशनली या पर्सनली तो वो तो काउंट डाउन पर आ जाते हैं आपके साथ ये हुआ था आपने ये किया था तो मैं उस वक्त ये सोचती हूँ कि जो करंट सिनेरियो है वो कहाँ पे है अगर करंटली मैं गलत नहीं हूँ एक बात है या मैं राइट पर हूँ या मैं अपना कोई पॉइंट आपसे डिस्कस करूँ कि जी मेरे साथ ये गलत हो रहा है तो आप उस पर मुझे आ, ब्लेम गेम जिसे कहते हैं ना कि अपनी बात को आप उस चीज़ के पीछे हाइट कर दें और ये कह दें जी आपके साथ तो ये हुआ था आप तो ूज हुए थे आप तो उस वक्त बंदा एम्बेस हो जाता है खामोश हो जाता है हर्ट हो जाता है और ये सोचता है कि मतलब इस ज़िंदगी का हिसाब यहीं तक नहीं है एक हिसाब इसके बाद भी है तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं हाँ पर्सनल रिलेशंस में पर्सनल लाइफ में आप जो भी करें मैं ये समझती हूँ लेकिन ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि जब आपके पास इकतदार है पावर है तो आप किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे हैं वो तो नहीं कर रहे जो आपको नहीं करना चाहिए

तो ये नहीं करनी चाहिए थी। जो की ना है है ना जी जिसने पर्दा डाल ये, इनका हाँ जी। ये इनका पर्सनल मामला है ये इनका पर्सनल मामला है सही गलत पे मैं बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो जिसने ये हरकत की उसे क्या मिला ये करके सवाल ये उसके बाद आपने उससे किया जी मैंने सिर्फ एक बार रब्ता किया आपको पता है एजेंसीज के थ्रू ऑब्वियसली जब वो कहते हैं ना कि सर मुंडवाते ओले पड़ गए समझ में कुछ नहीं आया कोई ओ, इतना बड़ा पीछे अच्छा, अच्छा बोलती अच्छा हो यार थैंक यू अच्छा बोलती नहीं ये तो आपके शो पे आपने मुझे इनवाइट किया आप अच्छा, जी जी बड़ी कंटिन्यू कीजिए तो आ, हुआ ये कि उस टाइम पे ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आया ना और अफसोस इस बात का कि मैं उन लोगों का दुख देख रही थी जिनको मैंने ज़िंदगी में हमेशा खुश देखना चाहा था और मैं आज भी कहती हूँ कि उनका अब मैं कैसे उनके बारे में कहूँ कि जिनको मैंने अपने चाइल्डहुड से ये चाहा कि इनको खुश कैसे रखा जाए मैंने सोचा भी नहीं कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुख का सबब मैं बन जाऊँगी और फिर ये कि मैं ये बातें उनसे नहीं कह सकती मैंने कभी भी नहीं कहा और उनका बड़ापन ये है जिसमें मेरे पेरेंट्स हैं सर फहरिस्त मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे पलट के कभी कुछ कहा ही नहीं आपके भाई हैं मेरे दो भाई हैं अल्लाह सलामत रखे एक भाई मुझसे बड़े हैं एक भाई मुझसे छोटे हैं बड़े वाले मैरिड हैं माशाल्लाह लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या कहा लेकिन मेरे वो अपने क्या कमाल के हैं कि जिन्होंने मुझसे कभी कोई शिकवा ही नहीं किया उन्होंने मुझे कभी कुछ महसूस अगर वो होने देते तो मैं होती नहीं शायद क्योंकि मैं थोड़ी सी हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करता है मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ

मैं उस नॉर्मल क्राइटेरिया से कहीं बहुत साइड ट्रैक हूँ ठीक है इसलिए कि जो मेरी वजह से हुआ वो नहीं होना चाहिए था ख़ुद का सेटबैक आप बर्दाश्त कर लेते हो खुद का ट्रॉमा, खुद का दुख खुद का एन्जाइटी यू कैन बियर इट अल्लाह ताला ने इतनी इस्तात सबको दी है लेकिन मैं मैं आपको एक बात बताऊँ नादिर मुझे नहीं पता मैं आज कैसे बोल रही हूँ ये करेज मेरे अंदर कभी नहीं थी दिस क्रेडिट गोस्ट टू यू इसके बाद लोग मुझे और आपको और इस शो को कैसे जज करेंगे आई डोंट केयर ठीक है क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे भी सिर्फ एक मरहूमा मेकअप आर्टिस्ट थी उनकी डेथ हो गई उनसे मैंने सिर्फ एक बार इस पर बात की थी एक सेट पर दो मिनट के लिए इसके अलावा मैंने सात साल में इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मेरे अंदर करेज नहीं है ना मेरी बचपन में भी आदत थी कि मैं माफ़ी भी मांगती थी ना तो लिख के मांगती थी मुझसे नहीं होता जो लोग मुझे बहुत पसंद है ना उनसे मुझसे शायद मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ लोगों को लगता है मैं एक्सप्रेसिव हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ लेकिन मैं आपसे फिर बस टू द पॉइंट एक ही बात कहूँगी मुझे ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है मुझे अपने आप से एक शिकायत है जिसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ काश मैंने वो एतबार वो भरोसा ना किया होता कि मेरे अपनों को इतनी तकलीफ़ ना पहुँची होती क्योंकि मैंने हमेशा उनकी ख़ुशी चाही थी और वो खुशी मैं नहीं ला सकती अब कुछ भी करके मर के भी पैदा हो जाऊं तो नहीं ला सकती लेकिन ये एक आप मैसेज तो दे सकती हैं आजकल की तमाम लड़कियों को और आजकल के जिस माशरे में जो 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 चीजें हो रहा है एक आप आवाज है जो आपके साथ हुआ वो किसी नहीं और मैं साथ मैं बच्चियों को समझाती हूँ नई लड़कियाँ बच्चियाँ आती हैं मैं उनको यही कहती हूँ अच्छा अक्सर तो बहुत इज्जत करती हैं उनको समझ आ जाता है कि ये थोड़ी सीनियर है ये सही बता रही हैं कुछ हैं सी आता है उनको वो थोड़ा अजीब रिएक्ट करती हैं वो आगे कभी शिकायत भी करती हैं उनको यही बोलती हूँ कि बेटा देखो हमें टाइम हो गया आए हुए अभी किस तरह से कोई बोले क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली से आते हैं तो आपने ये सरकमस्टेंसेस थोड़ी देखे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि कैसे रिएक्ट करना है तो मतलब ये होता है और वही बात है कि उम्मीद तभी टूटती है जब आप भरोसा करते हैं ना तो बात यह है कि किसी से बस कोई भी ज़ाती इख्तलाफ़ हो जाए उसको ऐसी तकलीफ़ मत दो जो वो बर्दाश्त ही ना कर सके और अब तो उन साहब की भी शादी हो गई उनको अल्लाह ताला ने बेटी दी है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह किसी की बेटी किसी की बहन को तकलीफ़ ना दे जिसने दिया है दुख किसी को अल्लाह उसी से हिसाब ले क्योंकि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है रिदा, जब आपके बारे में लोग गलत कहते हैं जी या गलत सोचते हैं जी या मुंह पे कभी कुछ कह देते हैं, तो देते आपका क्या रिएक्शन होता है नादिर मैं खामोश हो जाती हूँ है क्यों? क्योंकि उनको जवाब देने से मैं जस्टिफाई ख़ुद को तो नहीं कर सकती देखें आप मैं हम सब किसकी बारगाह में जवाब दें सिर्फ़ अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे रब को पता है कहाँ तक मैं गलत हूँ कहाँ तक नहीं हूँ मैं अपनी बात कर रही हूँ उनको बता देने से उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बदल नहीं जाएगा और अगर उनका इतना ज़र्फ़ होता तो वो ऐसी बात ही नहीं करते और यूजली लोग अपनी वही जिस तरह मैंने पहले मैंशन किया लोग अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए या वक्ती तौर पे उनको कुछ गलत करना होता है तो वो इस तरह की बातें कर जाते मैं सिर्फ खामोश हो जाती हूँ मैं कोई रिएक्शन फील्ड में अभी तक ये आपको किले मिलते ताने मिलते हैं जी कह देते हैं कह देते, क्या कह इसकी वजह से आपको करेक्टर से आउट किया गया जी हो। जी जी बिल्कुल ऐसा हुआ है बिल्कुल क्यों इसी वजह से आ, नहीं देखे नादिर आप ये बात जानते हैं कि पॉलिटिक्स तो देखे हर जगह पे है सही है कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं जैसे मैं यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं एक प्रोडक्शन हाउस का नाम मेंशन करना चाहूंगी आपकी इजाज़त प्रोडक्शन मैं कहती हूँ का सेवनटी परसेंट काम उनके साथ इसलिए कर पाई नादिर उन्होंने मुझे शेल्टर दिया बिफोर और आफ्टर मैं बिल्कुल स्टार्ट की भी बात कर रही हूँ मुझे पहले जब स्टार्ट में जब आई थी नादिर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया मैं कभी किसी की कंप्लेन करती थी ना तो वो मेरे लिए एक्शन लेते थे यूजुअली yeah. क्या होता है आपने कंप्लेन की आप ही प्रोजेक्ट से आउट ये ये होता है बाकी लोगों ने ये किया लेकिन हमायों भाई समीना भाभी मैं उनकी दिल से शुक्र गुजार हूँ रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है उनको लेकिन मैंने जब भी आके फ़ोन किया जी मैं अमेरिका से आ गई जी मैं ऑस्ट्रेलिया से मेरी ट्रैवलिंग ऑफ एंड ऑन बहुत रही है भाभी मैं आ गई हूँ अच्छा बेटा प्रोडक्शन हाउस चली जाओ या किसी को कॉल कर दो और कोई ना कोई प्रोजेक्ट वहाँ से मुझे आ जाता था तो मेरे लिए वो प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है जितना कोई नहीं है मुझे इतने पसंद है वो लोग और मैं उनकी इतनी इज्जत करती हूँ क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस तो बहुत हैं लेकिन मुझे तो वो लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हर हाल में किया पहले काम और स्कैंडल के बाद काम में कितना फर्क देखती हैं आप uh, काम डिक्लाइंट पे गया है अभी भी पुरुद है मैं बहुत पुरुद हूँ मुझे अपने रब की ज़ात से इतनी उम्मीद है मुझे पता मैंने अल्लाह ताला से मेरा ना एक हर किसी का दुआ मांगने का तरीका होता है मेरा ये अल्लाह ताला से एक मेरा कमिटमेंट कह लें या जो भी कह लें मैंने कहा वा है कि या तो अल्लाह ताला इस फील्ड से इस काम से आप मुझे पीछे करते हैं मेरा दिल हटा दें क्योंकि मेरा दिल किसी और काम में लगता नहीं है या अगर मेरे लिए इसमें कुछ है एक्टिंग पैशन है ओह कुछ ज़्यादा ही जी जी अब आप लोगों पर भरोसा तो नहीं करेंगे

Uh, होता है, बट नॉट्रेडेंट खुद को खुश नसीब समझती है? बहुत. क्या चीज़ पर? मेरे पास justification है क्या? मुझे जिंदगी में इतना प्यार मिला है मेरे हर रिश्ते से मैं आपको एक बात नादिर मैं इसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरी वो तीन साल की भतीजी हो भाभियाँ तो गैर होती ना मेरी भाभी हो मेरा भाई हो मेरी जिंदगी के कोई भी लोग वो मुझसे नाराज नहीं रह सकते और अगर मैं नाराज़ हो जाऊँ तो वो मुझे एक घंटे के लिए भी नहीं छोड़ते अच्छा। तो मैं अलहमद शुक्र है मालिक का मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक प्यार की एक वो थी हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है ना मुझे ये कि बस मुझसे सब प्यार करें वो मुझे बहुत मिला है हर चीज़ के बावजूद सत्रह खतरा 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 <laughs> <खत्रा>, खतरा <laughs> अच्छा सत्रह साल में आप आ गई और आपको हो गए हैं ग्यारह साल ऑलमोस्ट राइट right? yes, बिल्कुल ग्यारह साल हो गए हैं तो ग्यारह साल बंदा मेरा ख्याल है सितार भी सीख सकता है सही बात है इतना अरसा हो जाता इतना है। अरसा होता है <laughs> जी तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ये ग्यारह साल का ओवरऑल uh, ओवरऑल एक्सपीरियंस मैन इट कम्स टू वर्क ये काम बहुत अच्छा है नादिर मैं एक बात बताऊँ आपको इतना प्योर काम ना मुझे मैंने और भी जॉब्स की पैटी जॉब्स जिसे कहते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान भी की मैं चाहता हूँ आज आप खुल के हाँ, बोले ये तमीज हम नहीं बांध देंगे ग्रुप बंदी है या नहीं? बहुत है बहुत है इसी में एक्सपीरियंस बताया फेवरेटिज्म है तो कोई ऐसा मौका जहाँ आपको लगा हो यारे ना इंसाफी हुई है ग्रुप बंदी हुई है, बहुत हुई है है फेवरेटिज्म वो क्या है बताए शेयर करें आ, नादिर इतने एक्सपीरियंस है कि शो खत्म हो जाएगा मैं बोल नहीं पाऊंगी मसलन उनमें से कोई एक तो मैं आपको बताता हूँ तो मरहूम अल्लाह तला बख्शे उनको बहुत बड़े डायरेक्टर थे नादिर हुआ ये कि अच्छा शुरू शुरू में ना दो तीन चार साल जब वो आपको हुए होते ना तो आपके अंदर वो कहते हैं ना उर्दू में पारा भरा होता है आप सुपर एक्साइटेड होते हैं मतलब घर में आप अपने बर्तन भी धो रहे हैं आपके माइंड में कैरेक्टर चल रहा है यार उस सीन में ना मैं वो पायल खरीद के पहनूँगी ऐसा करूँगी वैसा करूँगी आपने अपने माइंड में सब बना लिया आपने अपने खर्चे पर वॉड्रॉप भी बना लिया एक दिन पहले कॉल आती है जी शूट डिले हो गई है अच्छा डिले का मतलब देट यू आर आउट अब वो आपको ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया अब वो बोलेंगे ना वुड डिले हुई। उसके बाद आप बोलेंगे ठीक है चलो उसके बाद आप ऑनियर देख रहे हैं वही ड्रामा वही राइटर वही प्रोडक्शन हाउस वही स्क्रिप्ट एंड यू आर गॉन आपकी जगह हाँ हाँ मतलब फिर मैंने उन डायरेक्टर को की कॉल मैं उनको कॉल की और मैंने उनको बोला कि सर आपने किसी और को ले लिया यही मेरे वर्ड्स उन्होंने कहा बीबी मरहूम अल्लाह बख्शे मैं फिर कह रही हूँ मुझे सबको मर के जाना है मुझे बहुत मैं रोई थी उनकी डेथ पे कॉल पे मुझे कहते हैं बीबी मेरे पास अगले एक साल तक की कास्टिंग हुई हुई है और मेरे सिर्फ एक आंसू निकला और मैंने फ़ोन काट दिया मैं कहा ठीक है अल्लाह तू देखा और डेढ़ दो साल बाद उन्होंने बहुत बड़े डायरेक्टर हैं बहुत टैलेंटेड Face beauty, आ, acting skills, thank you. सब कुछ होने के बाद नादिर नहीं मैं नहीं मैं 11 साल में नहीं समझ पाई मैं 11 साल में नहीं समझ पाई ऐसा ऐसा हुआ मेरा हा? बीपी शूट हो जाता था मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती थी कभी ईसीजी हो रही है नहीं मैं फर्स्ट टाइम हंसेंगे हाँ मैं इतनी सुपर सेंसिटिव और इतनी इमोशनल फूल हूँ कि अच्छा मेरे ना माइंड में ना वो क्वेश्चन मार्क नहीं होता क्यों 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 हुआ ये क्यों पहले मैं अपने घर वालों को भी ऐसी तंग जब थोड़ी छोटी होती थी अब तो मेच्योर हो गई आपने ये क्यों किया अब मेरे घर वाले सर पकड़ लेते थे मेरे अब्बू कहते थे बेटा तुम्हें वकील होना चाहिए था तुम इतना हर बात में क्यों क्यों अब वो क्यों इतना फंसता था मतलब मैं सोच अब घर वालों से तो आप लड़ सकते हैं ना घर वाले जस्टिफाई कर देंगे बाहर वालों को आप क्या करेंगे तो वो क्यों इतना फंसता था मैं बोलती थी उसको ले लिया उसको ले लिया मुझे क्यों नहीं लिया रोती थी दो दो तीन दिन चार चार दिन फिर जब थोड़ा टाइम हो गया ना फिर समझ आया कि ये काम ऐसे ही है और अब तो इतनी चिलू मैं फिर मेरा छोटा भाई ना ही इज इज रियली रियली सपोर्टिव सपोर्टिव छोटा छोटा भाई ही हाँ, really माशाल्लाह है अभी कोई ट्वेंटी फाइव ईयर्स का है, in USA, doing very good. उसने मुझे एक बात बोली कभी छोटे भी सिखाते हैं वो इतना लाडला मेरा और इतना इतना हमारा खूबसूरत रिलेशन है माशा उसने मुझे कहा देखो रदा जब तक तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन हो तुम सेट पर नहीं चले जाए करो तुम ये मत समझा करो कि तुम इस प्रोजेक्ट में हो मैंने कहा ये तो सही कह रहा है फिर मुझे उस वहां से माइंड चेंज हुआ और अब कोई कहता ना डिले में कहती हूँ अभी मुझे पता है सो so... विदा आपको क्या लगता है अपग्रेडेड होने का टाइम नहीं है आजकल के हिसाब से डिजिटल मीडिया बड़ा इवॉल्व हो रहा है जी ये बात मैंने दो तीन साल पहले कही थी जी किसी यूनिवर्सिटी के कोई सेमिनार में मैंने कहा था कि जिस तरह हर बंदे की आज के दौर में फेसबुक आईडी है ऐसे ही सबका दो तीन साल में हर बंदे का यूट्यूब चैनल होगा सही कहा तो था अब वो बात कहीं कहीं दुरुस्त साबित हो रही हो रही है वो हर डोमेन में हर बंदे के लिए हर कैटेगरी जरूरी नहीं है कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही आए कोई एज अ लाइब्रेरी ले रहा है कोई, कोई अपना ले अपने ब्रांड्स बेच रहा है कोई अपना प्रोफाइल बेच रहा है कोई सिर्फ अपनी काबिलियत दिखा रहा है कोई अर्निंग कर पता नहीं बहुत कुछ है ना समंदर है तो क्या आपको नहीं लगता कि आप को आ जाना चाहिए इस टाइम फुल Uh, जैसे कहते, कहते हैं कि 24 कैरेट जो सोना होता है उस तरीके से मतलब आप आ जाएं और क्या आपको नहीं लगता कि आज के दौर में एक्ट्रेसेस या एक्टर्स के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पे उनको काम मिल रहा है ऐसा ही है उनके पैसे तय हो रहे हैं आपने इतनी अच्छी बात कही आपको पता है मैं भी थोड़ी स्लो हूँ अ मुझे ये चीज पहले फॉलो करनी चाहिए थी ये मेरा खुद का भी अपनी भी गलतियाँ इंसान को बता रहा है दुरुस्त है हाँ, हाँ सही कह रहे तो ना मुझे भाई ना। रिदा इस्माहानी का चैनल तो मैं सब्सक्राइब करूँगा अरे हां इट्स अ लॉट ये मैं बता दूं अरे okay. भाई मीन्स अ लॉट भाई आपका चैनल आया ऑफिशियल तो मेरे जैसे कितने आपके फैन होंगे अरे सर यू आर अ फेम मतलब मींस अ लॉट आप इतनी बड़ी बात कर तो मुझे दो तीन चार साल पहले ऐसा होने लगा लोगों ने बोला आप ना अपना प्रोफाइल भेजे आपके तो फॉलोअर्स ही नहीं हम आपको कास्ट नहीं कर सकते पहले तो मैंने इग्नोर किया जब दस बारह लोगों ने कहा तो मैंने कहा मैं फॉलोअर्स मतलब क्या मतलब नहीं है तो अब मैं कहाँ से लाऊ मैंने तो इतना काम किया अब वो पुराना काम तो आपने जोड़े हुए नहीं हाँ बात यह है मुझे आते ही नहीं था मुझे अभी भी सोशल मीडिया नहीं 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 फिर ना 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 मुझे लोगों ने बोला आपकी तो टिक -टॉक पे भी नहीं है। नहीं वो तो 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 भी है है मैंने मैंने कहा वो मैं बनाती नहीं। नहीं। मतलब बहुत दफा जब मैंने तो मैंने ये ये बात सुनी करना पड़ेगा इस एक एक सवाल बनता कि बदनाम होंगे क्या तो क्या नाम होगा फिल्म पहले हाँ क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं अल्लाह ताला आ, की ज़ात बहुत बड़ी है आई वॉज सेवन डेज़ अ वीक ऑन एयर जब मैं आई थी और मैं आपको सही बताऊँ नादिर वो कहते हैं ना इंसान को जब कोई चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती ना और वो उसको मिल जाए ना उसको पता भी नहीं होता कैसे हैंडल करना है। है। सही बता रही हूँ मैंने शुरू शुरू में स्टार्ट किया तो मतलब इतना सारा काम जल्दी जल्दी से मिल गया जल्दी जल्दी से ऑनियर हो गया ना तो समझ भी नहीं आता था कि अच्छा फ़ैन भी मिल रहा है अच्छा जिम में भी लोग पहचान रहे हैं ये होता था ना तो अच्छा भी बहुत लगता था मतलब उस टाइम पे एक होता है ना किस चीज़ की आरजू आपने ना की और वो आपको मिल जाए ना तो आपको इतना समझ भी नहीं आ रहा होता मैं सही बता रही हूँ फिर जब वो चीज़ें आपसे थोड़ी कम होने लगती हैं फिर आपको लगता है कि यार ये तो मुझे मिलना चाहिए मतलब ये बिल चला गया एक मिसाल है या ये टी सी मुझे नहीं मिला फिर आप उसके लिए दीपिका पाडुकोन जैसी आइकन ये बात कहती है मेरे ख्याल से

शॉर्ट देता हूँ कि जिंदगी में जैसे मैं पहली दफा दे रहा हूँ बिल्कुल और हार्ट बीट तेज होती है आज भी हाँ। और आज भी वो हो रहा होता है भीटी ये काम जो है ना ये बड़ा प्योर काम है इस काम में अगर लोक फेयर चले तो ये बड़ा अच्छा काम है हम और आप नादिर ना हम दिन देखते हैं ना हम रात देखते हैं हम कुछ भी नहीं देखते हम पहले काम देखते हैं रिदा एक सवाल ये मेरे जहन में आता है और ये एक कड़वी हकीकत है कि आज कल की लड़कियां जो फील्ड में आना चाहती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ऊपर जाने के लिए उनको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा तो ये कल्चर एग्जिस्ट करता है मज़ीद इट और ये गिव एंड टेक का कल्चर क्या है उनको फिर काम मिलता है और फिर ज़ाहिर है उनको फिर काम मिलता है तो फिर वो दूसरी आने वाली लड़कियों के लिए भी एक यही रास्ता बचा है कि यार ये चीज़ इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो हमें काम मिलेगा अदरवाइज़ नहीं मिलेगा इसको तो बताए बात यह है नादिर के अगर हम ये सोच लें ना देखें हम और आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए वी आर गेटिंग पेड ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है मैं कहूँगी दोनों तरफ से अकीदा जैसा होता है ना इंसान का अगर मुझे पता है ना कि मुझे मेरे हिस्से का मिलना है तो मैं सामने वाले को दूंगी शट अप कॉल के भाई ठीक है तो मैं नहीं सौ और सही एक मैं बात कर रही हूँ लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत मेच्योर माइंडसेट चाहिए जो कि स्टार्टिंग में नहीं होता जाहिर है आप पंद्रह सोलह साल के आ रहे हैं तो क्या है ऑब्वियसली फेम चीजे, you know, immaturity और हर you know, हर किसी को फेम चाहिए एक बात है है कोई अपने skills करना चाहता है। मैं उसमें समझती हूं कि जो जो पुराने लोग हैं हैं में में चीजों में, उनको चाहिए कि वो ऐसी guidance ना दें ठीक है लेकिन ये अच्छा इससे कॉम्प्रोमाइज तो वही है ना एग्जैक्टली exactly. सीनियर तो अल्लाह माफ करे साहब बोलते थे सांप छोड़ के सीनियर मार दो पता हुआ क्या है हाँ। ना सबसे बड़ी चीज क्या कॉम्प्रोमाइज हुई है जो स्किल्स वाले लोग थे जो मेरिट वाले लोग थे वो बेचारे हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है ना इट्स वो है ना टेक इट और लीव इट इट डिपेंड्स के बंदा क्या चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है क्या नहीं कर सकता अब क्या हुआ इससे क्या हुआ जिसमें मेरिट थी जो डिजर्व करता था वो बेचारा पीछे हो गया और जो थोड़ा उन्नीस बीस था अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ लेकिन जिसको इतना नहीं भी आता था या जो इतना डिज़र्विंग दि नहीं था वो जी टॉपर हो गया समझ रहे अब जो दूसरा रह गया जो डिजर्विंग था अपने समझता है अपने हिसाब से अब वो हो गया कॉम्प्लेक्स भी हो गया उसको एन्जाइटी भी हो गई उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई मैं एक बात कह रही हूँ तो मतलब इससे इस एक कल्चर जिस तरह आपने कहा इसकी वजह से कितनी तबाही हो गई और जिन लोगों को आपका काम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया मतलब जो अच्छा टैलेंट आपको मिल सकता था वो आपने खो दिया और ये क्यों हुआ क्योंकि अपने प्रोफेशन से जिस तरह से आपने कहा ये दीगर जो चीजें ये अलग रखनी चाहिए अगेन हमें किसी को जज नहीं करना जिसको जो करना होता है अपनी लाइफ में वो करता है लेकिन हमें ये सोचना चाहिए बींग सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर या हु या कास्टिंग डायरेक्टर वॉट कि यार हु इज डिजर्विंग अगर मैं डिजर्विंग बंदा नहीं देख रही या नहीं देख ब, मतलब डिजर्विंग बंदी को नहीं देख रही दैट मीन्स मैं अपने काम के साथ भी फेयर नहीं हूँ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही करी अपने स्क्रिप्ट के साथ अपने कंटेंट के साथ अपने कैरेक्टर के साथ मुझे ये देखना चाहिए कि मेरी पर्सनल एक लाइफ

हम कहते हैं मूवीज़ का रिवाइवल आ गया अल्लाह करे पाकिस्तान में मूवीज़ का रिवाइवल आए बात ये नादिर हमारी नीयत ठीक नहीं है अच्छा ये सिर्फ मीडिया का अलमिया नहीं है नादिर ये भी मैं आपको बताऊँ सब जगह पेटी जॉब्स कर लें आप प्राइवेट जॉब्स कर लें पहले दिन आपको या तो प्रपोजल मिल जाएगा आप सम मतलब अब मैंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म की है वो भी ऑनियड नहीं हुई वो इसी पे है कि एक औरत में क्या मेरिट नहीं होती क्या उसकी स्किल्स नहीं होती नादिर हाँ, हाँ मर्द सुपीरियर है मैं इस चीज़ को मानती हूँ अल्लाह ताला ने मर्द को फोकियत दी है मैं इस चीज़ को मानती हूँ आपका शौहर आपका मिजाजी खुदाए सर का ताज है मैं बिल्कुल इस चीज़ को हंड्रेड परसेंट मानती हूँ लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि औरत की मेरिट और स्किल उसकी इस वजह से साइड पे कर दी जाए कि जी ठीक है इफ़ यू अग्री अदरवाइज गो टू हेल्प तो यार मतलब वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसने क्यों पढ़ाई की उसकी पर्सनैलिटी उसकी skills? आपको जब ये ऑफर्स आई तो आपका क्या रिएक्शन था मैंने मारा है लोगों को ना ऑनियर बता रही हूँ मैंने मारा लोगों को थप्पड़ मुक्के मारे आधे से ज्यादा मीडिया मेरा नाम सुन के रिदा फानी नहीं क्यों मेरे अंदर कांटे नहीं लगे हुए क्योंकि आप शुरू शुरू में आते हैं एक तो खून गर्म होता है ऊपर से ही होता है मुझे कैसे बोला ऐसी कितने ऐसी पिटे लोग मुझसे और बाद में कुछ तो जो जर्फ वाले थे उन्होंने कहा रिदा आप बहुत अच्छी लड़की हैं असलम और कुछ ने कहा काटो इसको यहाँ से भी काटो इसको वहाँ से भी कटवाओ इसको तो लेना ही मत एंड फॉर ईयर्स इट्स नॉट अबाउट एनी डिवोर्स और मैरिज और स्कैंडल नो इट्स हैपनिंग फॉर द ईयर्स एंड आई हैव नो रिग्रेट्स और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट से काम दिया वो मेरी फिंगर टिप्स पे हैं मैं उनकी एक कॉल मैं उनसे पैसे भी नहीं पूछती कम है उनको मैं बोलती हूँ जी कब आना है जी रात पूरी रात काम करना है ठीक है क्यों मुझे इज़्ज़त से थोड़ा मिल रहा है ना शुक्र अलहमदुल्लह वो मेरे नसीब का है मैं वो चूंटी थी हाँ। जिसने हाथियों से बैर लिए ये हाथी थे नादिर इनकी तो ऐसी ईगो अरे ये कौन नहीं, आ गए ये वो, फिर के ये वो, वो, नहीं, अगर <laughs> वो ही अगर 90% लोग आपको यस कर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एक माइंडसेट बन गया कि ओ मुझे तो कोई आई एम अ सीईओ नोबडी इज देयर टू से नो ठीक है अगर एक ने आपको कह दिया कि नहीं नहीं मुझे तो काम करना मैं तो करके दिखाऊंगी मुझे ऐसी ऑफर्स दो तो भाई उस बेचारे को छोड़ दो ना कितना काम कर लेगा यार वो कोई कैरेक्टर उसे नहीं यहाँ पे अलमिया क्या है मैं किसी की ऑफर से मुझे नाला नहीं हूँ मैं क्योंकि मैं इस दुनिया में रहती हूँ या तो मैं चादर पहन के मज़ार पर बैठ जाऊँ तो वो हो नहीं सकता ना इफ़ यू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड यू हैव टू फेस मुझे प्रॉब्लम ऑफर में नहीं है प्रॉब्लम तो मतलब ऑफर तो यूएसए में भी लड़के कर देते थे लेकिन इतने अच्छे होते थे आपने उनको बोला नॉट इंटरेस्टेड वो कहते हैं कैन आई हैव योर नंबर आपने कहा नो no, वो वो साइड पे हो जाएंगे यानी कि मतलब अच्छा इसको यहाँ से भी काटो वहाँ पर मैं एक बात कह रही हूँ तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है इट्स एवरीवेयर बट बाद में ये जो डर्टी पॉलिटिक्स खेल के आपको हर जगह अच्छा मजे की बात मेरे लिए र्यूमर्स उड़ा दी ऐसी ऐसी अब जिस साइड पर काम कर रही हूँ अब जाहिर सी बात है मतलब उस टाइम पर इतना मैं मेचोर नहीं थी और मैं ब्लंट बहुत थी मैं हर किसी को जवाब दे देती थी जो कि जिससे मेरे करियर को बहुत नुकसान हुआ मतलब गलत रूमर क्यों उठा रहे हैं मेरे बारे में इफ़ यू डोंट लाइक मी जाने तो मुझे मत काम दो लेकिन वो आपको बदनाम भी करेंगे इसके साथ तो वहाँ पे ये हुआ था अरे भाई नहीं हुआ था सारे आपस में एक तो वो एक ट्रॉमा, वो एक एनजाइटी वो जो ये आपको देते चले जाते हैं ना उसके बाद बंदा ऐसा हो जाता है <laughs> मोहब्बत कर चुकी है या अभी तक बाकी है मोहब्बत इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है और लेकिन मोहब्बत वो कहते हैं ना कि गलत वक्त पे सही इंसान से होती है तो गलत वक्त पे सही इंसान हाँ से कहते ना मोहब्बत पहले जो होती है ना वो मतलब मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को कि उस टाइम पे आपको ना नहीं पता होता कि किसको यू you नो know, सिलेक्ट करना है तो आप कहते हैं हाँ हाँ मोहब्बत है वो चीज़ें हो जाती है गलत उसमें मोहब्बत का कसूर नहीं होता वो आपकी चॉइस का कसूर होता है ठीक yeah. है लेकिन मोहब्बत इट्स एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है एंड आई बिलीव इन लव और जो लोग कहते हैं ना प्यार एक बार होता है वो झूठ बोलते हैं प्यार बार बार होता है क्योंकि इंसान की सिर्फ तुम्हें मोहब्बत है आपसे कोई प्यार से बात करेगा ना आप बोलेंगे ये अच्छा है सॉफ्ट कॉर्नर आएगा सो ऑल यू नीड इन दिस लाइफ इज ओनली लव मुझे तो ये लगता है आई डोंट नो हाउ पीपल जज इट लव इज ऑल अबाउट ट्रस्ट इट इज ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट 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 जाती रहेगी मोहब्बत जाती रहेगी और सबसे गलत पता कौन लोग होते हैं एक मिसाल है दो लोग रिलेशनशिप में जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है ठीक है मुझे पता है कि सामने वाला गलत कह रहा है ठीक है अब मैं उससे ये शिकवा करूं कि देखें ये चीज़ आपकी गलत है उस पर वो मुझे वो वाली चीज़ें गिनवा दे जो मैंने की भी नहीं है होगा क्या उस टाइम पे तो मैं चुप हो जाऊंगी ठीक है लेकिन मेरे दिल से और नज़र से वो शख्स हमेशा के लिए गिर जाएगा इससे रिलेशन ख़राब होते हैं एटलीस्ट मुझे ये लगता है नादिर मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूंगी अपने जो आपकी फैमिली या जो आपकी रिलेशन है ना उनमें सच बोलो कर दिया ना गलत बता दो अगर आप वहाँ पे भी सच्चे नहीं है ना तो आप कहीं यार ये, ये बात पता है क्या है रिदा ये आपकी ना दिलेरी और है कि आप इस चीज़ को हन कर रही हो हाँ सही बता रही वरना तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये फेक है स्पूफ है 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 किसी ने एडिटेड वर्जन दिया सबसे पहले तो आप इस चीज को मान रही हो कहां भी गलती हुई है मैं अपनी शर्मिंदा हाँ। मैं अपने रिश्तों से, से शर्मिंदा हूँ दुनिया का मुझे कुछ नहीं क्योंकि जिन लोगों ने बातें बनाई वो खुद क्या क्या बातें कहते रहे आई नो इट आप इस सवाल का बेहतर जवाब यू दे सकती हैं देखिए किसी ने मुझे कास्ट करना है तो मुझे पता है कि वो क्या क्या सोच रहा है आपको डायरेक्टर ने कास्ट करना है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है बस यही है कि फेयर नहीं है और उनको मतलब आपकी मेरिट से नहीं होता उनको ये नहीं होता आप कैरेक्टर कैसा निभाएंगे उनको बस ये होता है कि जो बात वो कर रहे हैं क्या वो पूरी हो सकती है या नहीं तो उसमें मतलब कितना बंदा फाइट बैक करेगा कितना आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करेंगे ऑब्वियसली या तो आप प्रोजेक्ट्स छोड़ेंगे क्या करेंगे आप मतलब यही है ना दो चीज़ें होते हैं आप अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सो आई एम वन ऑफ देम और ये मैं इस शो पर नहीं कह रही ये मीडिया पूरा जानता है मेरे बारे में मेरा सेलेक्टिव काम है अलहमद तो किस किस के साथ किया है काम बड़े डायरेक्टर्स राइटर्स में से हाँ बड़े डायरेक्टर्स में से माशाला से मैंने आ, बहुत स्टार्ट में एहतामुद्दीन साहब के साथ काम किया अच्छा, था अच्छा, ये बड़े डायरेक्टर अब माशाल्लाह काफ़ी एहतामुद्दीन उनकी डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें सद के तुम्हारे मायरा खान वाला जी और काफ़ी बड़े, बड़े और ये राइटर था, था। खलील साहब है? आ, नहीं मेरे वाले के खलील साहब नहीं थे अच्छा लेकिन सद तुम्हारे के खलील अच्छा खलील साहब पे आपने एकदम यूं यूं किया है तो खलील साहब से क्या कैसा रहा है कोई उन्होंने कभी ऑफर दी और प्रोजेक्ट की या कोई आ, नहीं उनके प्रोजेक्ट की ऑफ़र मुझे ज़रूर हुई थी आ, लेकिन उनका आपको पता है कि वो कास्टिंग भी खुद करते हैं एंड इज़ रियली इन्वॉल्व के उनके स्क्रिप्ट में आपको चेंज नहीं कर सकते हाँ. तो मैं उनके क्राइटेरिए के लिए नहीं थी तो मैं मतलब उनके मैार पर मैं नहीं थी तो आई लेफ्ट इट अच्छा आपने लेफ्ट किया बहुत हाँ, बड़ी बात है ये मैं हल्फिया कह सकती हूँ और वो भी इसको आपने नो किया मैंने नो कर दिया मुझे समझ नहीं आई बात पता है उनका तो अच्छा ही होता है तो मैंने उस टाइम पे सोचा है एक बार के अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में लिखा होगा ये बात दो की है आज की है भी नहीं तो अल्लाह जरूर देंगे कुछ बड़ा अगर इस फील्ड में नहीं होती तो क्या होती एयर होस्टेस होती हैं वहां है? वे स्कवतिना हजरात जहां इस पे 30000 फीट की बुलंदी पे है खाना हो या नहीं खाना है नहीं सूखे सूखे उड़ जाइए क्या होती है <laughs> मैं लॉयर हो होती <laughs> लॉयर होती आप <है। laughs> लॉयर होती लॉयर होते छेड़दा भी तो हमारा बनता है ना यार <laughs>

शादी की जी फिर एक फेज़ आया कि डाइवॉर्स हुई इसको खुले क्या हुआ है वजह क्या थी ये दूसरा बंदा था सेकंड, एक से ये पहली शादी थी आपकी क्या वजह थी आ, अच्छा सवाल है होता ये है नादिर जब आप किसी से शादी करते हैं दैट मीन्स के आप उसको फुल्ली ओन करते हैं ठीक है सही। अच्छा आ, अच्छा ये होता है पॉलिटिक्स हो या शादी हो आ, जब तक कुछ लाइक जब तक लोग लीडर नहीं मनते तब तक और होते हैं जब तक शौहर नहीं या बीवी नहीं मनते तब तक और होते हैं ह्यूमन नेचर है मतलब ये कॉमन है ठीक है आ, तो हुआ ये कि मुझे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी नादिर क्योंकि मैं सबकी इज्जत करती हूँ और वही बात है ना कि मौला अली सलाम का कौल है कि ज़र्फ़ का इम्तहान शुरू होता है ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद और मैं इस पर हाईली बिलीव करती हूँ और मैंने ये प्रैक्टिकली साबित किया है कि मैंने कभी कोई जिसे कहते हैं कोई चीज़ बाउंस बैक नहीं की मेरे पास भी सोशल मीडिया था बट आई नेवर ट्राइड क्योंकि मेरी जो जिंदगी टू थाउजेंड ट्वेंटी इवन अगर आप मजाक रात में मैं गई थी उस टाइम आई वॉज न्यूली मैरिड मैंने सबको जाके बताया था लड़कियाँ छुपा रही होती हैं मैंने सबको जाके बताया था कि जी एम मैरिड और मेरे और नो uh, डाउट no मेरे इन लॉज से मुझे कोई शिकायत नहीं है मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने मुझे इज्जत दी लेकिन ये होता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ साइकॉटिकूज होते हैं बिकॉज वो uh, ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन कुछ ड्रग्स uh, या कुछ लाइक uh, like, जिम के लिए भी कुछ चीज़ें लोग करते हैं ना स्टीर यू कॉल इट उससे भी कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स लोगों को हो जाते हैं तो देखिए मैंने तो इस चीज़ को बारे में काफ़ी पढ़ा है क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ह्यूमन बिहेवियर और वो चीज़ें कैसे लेकिन अच्छा मैं उसमें अगेन यही कहूँगी कि हर चीज़ बर्दाश्त है लेकिन आप अपने माँ बाप के लिए गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है अगर उन्होंने आपको पैदा किया और तीसरे किसी बंदे का राइट नहीं है कि वो उनके ऊपर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करे फॉर नो रीज़न घर की छोटी मोटी बात पे लेकिन हमारे माशरे में ही समझा जाता है कि ये औरत है तो ये इसको बेयर करना है विच इज़ रॉन्ग इसके लिए मैं हाईली स्टैंड लूँगी कि किसी कि कि लड़की किसी बच्ची कि के साथ अगर उसके घर या ससुराल में ये हो रहा है तो छोड़ दो बेटा क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए नहीं जीने के लिए छोड़ा था शादी के लिए सो so, इस तरह की चीज़ें आईं और इस तरह की चीज़ें जब आती चली गई तो एक दिन ऐसा हुआ वो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के उठी तो मुझे एक बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र हैं जिनसे मुझे टाइम मिला था और मैं बहुत खुश थी तो मैंने उनको बोला कि मैं... बस अभी दुपट्टा नमाज़ का उतारी ही रही थी कि मुझे जाना था तीन बजे मेरा उनसे अपॉइंटमेंट था तो उनको सामने वाले इंसान को मेरी कोई छोटी सी बात बुरी लगी और उन्होंने मैं स्त्री जो करी थी वही मेरे मुँह पर उन्होंने ढाली मैं लिटरली सांस बंद हो गया था क्योंकि एक बॉडी बिल्डर से यू कैन नॉट फाइट बैक ठीक है अच्छा ये फोटोग्राफर ने नो 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 आई वॉज अबाउट टू आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद फोटोग्राफर तो आई वॉज गेटिंग रेडी सही सही तो समझ गए तो उन्होंने मैं जो कपड़े आई थी वो ही उन्होंने उठा के मेरे मुंह पे कर दी और उनकी अम्मा शी uh, वॉज मुझे बेटी बनाया बेटी समझा एंड शी नॉकिंग एट द डोर और वो क्या कर सकती थी हाँ। क्योंकि मेरे चीखने की आवाजें बाहर तक जा रही थी और इस दिन मेरा दिल बंद होते होते रह गए मतलब मुंह मुंह ना जल जाए बाकी सब ठीक है गर्म स्त्री थी मैं स्त्री कर रही थी और उन्होंने वो उठा के मेरे मुंह के और मैंने उनको बोला आपको कल में भी तो हालत खराब मैंने कहा आपको कल

मतलब मुझे ये लगा और वो ना हर बात पर ना मेरा गला दबा देते थे अच्छा so, हाँ तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मेरे घर पे मुझे कभी किसी ने नहीं, नहीं, नहीं मारा मेरे अबू मेरे भाइयों ने मुझे कभी नहीं मारा तो मैं आई वॉज बेरिंग दैट जो कि मेरी गलती थी फिर मेरे मामू मुझसे बहुत क्लोज हैं मेरे मामू मुझसे बहुत ज्यादा उनसियत रखते हैं उन्होंने मुझे बोला कि चार महीने हुए हैं अभी और तुम हो गई हो पागल तुम न्याज में आती हो तो तुम यूं खड़ी रहती हो तुम्हें पता नहीं होता कि बैठना है मेरी कजन ने बोला तुम क्यों खड़ी हो मैंने कहा पता नहीं तो मतलब घर वाले नोटिस कर रहे होते हैं दैट यू आर लाइक मेंटली डिस्टर्ब है मतलब वो आपकी शक्ल से घर वालों को वजह जाता है।, है फिर भी आई वाज बेरिंग मुझे लगा शादी ऐसी होती है शायद में मीडिया की लड़की हो तो मुझे ज्यादा करना है एक मोटिवेशन होती है ना कि आई हैव टू प्रूव सेल्फ आई एम अ प्रैक्टिकलिंग वेमन बट आई एम अ गुड वाइफ यू नो ये वाली चीज़ होती है तो वो मतलब सीन काफ़ी ऑफ हो गया फिर मेरे अबू को पूरा मीडिया जानता है इस फहानी साहब बहुत शरीफ और बहुत अच्छे आदमी है इज अ राइटर इज अ पोइट इज अ गुड एक्टर अलहमदुल्ला ठीक है वो आए मेरे घर पर तो ना घर पे आए तो उन्होंने मेरे अब्बू को धक्का दे दिया और बोला थर्ड फ्लोर से नीचे फेंक दूंगा उनका दो कमरों का फ्लैट था अगर वो देख रहे हैं और वो इस पर बात करना चाहें उन्होंने तो बहुत कुछ बोला उनके आगे भी बहन है अल्लाह उन्हें खुश रखे मुझे कोई जिस दिन मेरे अब्बू को उन्होंने धक्का दिया मेरे अब्बू की ब्लू आइज़ हैं वो रोने लगे उनकी आइज़ रेड हो गई और वो ना खड़े होकर मुझे देख तो मुझे उस टाइम पर नादिर लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं सामने वाले को ख़त्म कर दूँ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर मतलब हाउ कुड यू हिट हिम He is an old man. He is a senior citizen. He is a heart patient. He is diabetic. How could you? अच्छा उन्होंने मेरे अबू ना मतलब उनको गुस्सा आ रहा है लेकिन वो वही ना बेटी के मुँह पे कंट्रोल कर रहा है मेरी अम्मी खैर वो बीच में आई उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी इसको जाने दो इसके कपड़े दे दो उसको अभी हम घर ले जा रहे हैं जो माएँ बेचारी क्या कर सकती हैं मतलब मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स सीधे जन्नत में जाएंगे जितने उनको मेरी वजह से सदमें मिले मेरे पेरेंट्स इस दुनिया के सबसे ग्रेट पेरेंट्स हैं आई बिलीव क्योंकि उनको नहीं पता था कि एक इकलौती बेटी उनकी लाडली इतनी और वो उनको कितनी तकलीफ देगी जरत के साथ अच्छा उस दिन मैंने दिल से डिसाइड किया छत महीने हो चुके थे मैंने कहीं अब नहीं आती मैं इस घर में वापस मैंने अपना सामान लिया और मैं चली गई और वो किस चीज़ के ऊपर थी वो मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगी बिकॉज मेरा जर्फ नहीं इजाजत देता कि वो मतलब मेरे घर वाले रिएक्ट कर रहे थे कि मतलब ये लोग क्यों इन चीजों पे कर रहे रहे नहीं हम कुछ चीज़ें है समझ हैं मतलब आप समझ रहे हैं मतलब वेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट आप किसी औरत पे हाथ नहीं उठा मैंने मैं आपको बताऊँ आपको हंसी आ जाएगी नादिर

वो अच्छा वो वैसे नहीं लगते थे मैम लेकिन जब उनकी वीडियो लोगों ने देखी खैर अल्लाह ताला बस मैं कहती हूँ मैंने माफ़ किया मेरा रब भी माफ़ करे मेरा साथ नहीं मुझे कहना ही नहीं कुछ मेरा रबता ही नहीं हुई अफसोस इस बात का रहा कि उन्होंने इतनी हालांकि वो पढ़े लिखे थे उन्होंने इतनी गलत बातें कर दी और मैंने आज तक उनका वो वीडियो पूरा नहीं देखा क्योंकि मैं इतने ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई थी मैं इतनी इतनी सारी दवाइयाँ खाती थी मैं मतलब ऑनियर बोल रही हूँ नहीं हर वक्त बस दवाइयाँ के सोती रहती थी तो मतलब अगेन वो सदमा भी किसको मिला अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स मेरे भाइयों को मिला ठीक है तो ज़िंदगी है बहुत सिखाती है लेकिन नसीब भी होता है कुछ हमारी शायद आ, लेकिन मैं समझती हूँ नादिर शादी और वो कहते हैं ना मेरी मरहूम खाला कहती थी कि शादी की रात बाहर नहीं है कबर की रात बाहर नहीं है मतलब वो तय है वो रिटर्न है तो वो आजमाइश होती है हम तो खैर क्या पूरे उतरेंगे रब की आजमाइश पे तो बहुत बड़ा सदमा और उन्होंने जब वो वीडियो और वो चीजें की अल्लाह मैं तो मतलब मैं बता रही हूँ मैं टोटल मैं डॉक्टर के भी आपको नाम बता दूँ मुझे लगता है अल्लाह के बाद वो मेरे बहुत बड़े मोहसिन है डॉक्टर गालिब आगा अच्छा जी वो किस चीज़ के डॉक्टर

तो बस ये है कि मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस मेरे भाई जो अब्रॉड में था उसको भी लोगों को ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उसने जवाब दिए होंगे मुझे तो नहीं बताया होगा एक बात है तो मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ मुझे कोई शिकवा नहीं है लेकिन मैं सोचती हूँ कि मतलब बहुत बैक टू बैक चीज़ें ऐसी हो गई कि होता ना बंदा अभी खड़ा हो रहा था फिर गिर गया अभी संभला नहीं था फिर गिर गया तो ये जिंदगी है ये लोग हैं जो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे आपका अल्लाह है मतलब इन जिससे अगर मैं बोलूँ आपके कुछ डिसीजन गलत है हाँ, साबित हुआ बिल्कुल मैं मानती चीज़ को। आप, क्यूंकि क्यूंकि मैं मानती इस चीज ये आप क्योंकि, आपको बताती हूँ है क्या है आ, एक मिसाल देते हैं ना एक बच्चा होता है ना छोटा जब वो रो रहा होता है ना उसके सर पे कोई भी हाथ रखता है ना तो वो उसको अपना लगता है कहते हैं ना थोड़ा सा पुचकार दो तो वो बच्चा आपकी तरफ हो जाता है तो होता यह है कि एक किसी गलत चीज की वजह से जब आपको कोई आके कहता ना कि मैं आपको सारा शेल्टर दूंगा मैं आपके लिए सबसे फाइट करूंगा तो एक औरत जो है ना अल्टीमेटली वो एक बहुत कमज़ोर एक हस्ती है मैं आपको बताऊं कुदरती तौर पे उसको शेल्टर चाहिए वो मर्द की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है चाहे वो आपका बाप हो पहले आपका बाप होता है जो आपका शेल्टर होता है आपकी इंस्पिरेशन होती है फिर आपका भाई होता है फिर आपका शौहर होता है और बाद में आपका बेटा होता है ऐसे ही है ना ये अब आप इसको ओल्ड स्कूल बोलें कुछ भी बोलें ये मेरा माइंड है आप कितना पढ़ लें आप कितनी सक्सेसफुल हो जाए आप कितने पैसे कमा लें इस दुनिया का जो उस मेरे रब ने बना दिया है औरत को ज़रूरत है मर्द की ठीक है और मुझ पर लोग एलिगेशन लगाते हैं इसकी शादी कामयाब नहीं हुई इसने एक से ज़्यादा शादी की तुम लोगों से बेहतर हूँ कम से कम मैंने शादी की मुझे कोई रिग्रेट नहीं हाँ वो मेरा नसीब था कि लोग मेरे साथ नहीं ठीक चले तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरी करंट मैरिज है इसके बाद मेरी फॉरन एक और शादी हुई वो भी सही नहीं चल रही लेकिन अगेन अभी, अभी है? है जी जी करेंटली आई एम मैरिड लेकिन आई एम लिविंग सेपरेट क्यों क्योंकि सेम रिपिटेशन आप जब एंटर हुए तो आप ये कह के हुए कि जो पिछले वाले बंदे ने दुख दिए मैं सब सही कर दूंगा और आप मेरे पेरेंट्स के बेटे बने हुए थे पिछले दस साल से तो इट वॉज नॉट माई पेरेंट्स फॉल्ट इट वॉज यू यू हैड अ ड्यूल फेस आई एम सॉरी टू से मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है मैं अभी भी उनके निकाह में हूँ सो आई रिस्पेक्ट हिम बट स्टिल माई मैरिज इज़ नॉट गोइंग रियली वेल और मेरे इन लॉज इतने अच्छे मेरे ख्याल से सगे माँ बाप जैसा प्यार उन्होंने मुझसे किया इतनी वो मुझे उनके डैडी उनकी मामा उनके घर के बच्चे मुझे इतनी इज्जत देते हैं और मुझसे आज भी मोहब्बत करते हैं और मेरा उनके अलावा बाकी सबसे बातचीत हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली आप मुझ पर फॉल्स एलिगेशन लगाए जाएंगे मेरा एक बेटा हुआ था आ, उसका इंतकाल हुआ जी जी छः दिन मेरा बेटा मेरे पास रहा फिर रब की रजा से रब के पास वापस चला गया मैंने अच्छा। भी पंचतन के हवाले किया ये कौन से, husband से हुआ जो करंट हस्बैंड करंट हस्बैंड जी उनके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक था ऑब्वियसली वो बाप लोग कहते हैं माँ माँ नहीं ही वॉज अ मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग वो एक अच्छे बाप साबित होते हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते क्या हुआ था बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी थी सब कुछ नॉर्मल था लेकिन अल्लाह की तरफ से इसकी जिंदगी नहीं थी नादिर क्या था बच्चे में क्या है सब uh, प्लेटलेट्स का इशू आया प्लेटलेट्स का इशू हाँ सिक्स डेज ही वाज अलाइव और वो वो मेरे जो हस्बैंड ने उन्होंने उस बच्चे के लिए दिन रात एक किया बहुत भागे लोग कहते ना माँ नहीं बाप का बहुत बड़ा दर्जा है वो लड़का हंसना भूल गया था वो इतना अपसेट हो गए थे वो उसके बाद भी स्टिल पता है वो मुझे लगता है कि उनकी गलती नहीं है मेरी लाइफ में इतना कुछ शायद हो चुका है अनफॉर्चुनेटली कि जो कुछ भी कोई कान में फूंक डाल देना तो वो चीज़ जहर बन के बाहर आ जाती है मुझे ऐसा लगता है मैं उनको ब्लेम नहीं दूंगी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी क्यों मैं कितनी बार एक ही बात को एक्सप्लेन करूंगी कितनी बार मैं एक ही बात पे रहूँगी कसम भी बड़ी से बड़ी मैं कितनी बार खाऊंगी आई एम अ डिफरेंट पर्सन इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी गो अवे मैं नहीं सोचूंगी कि, कि कितने दाग लगे चांद पे भी बहुत दाग हैं मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही लेकिन मैं कितनी बार बेजत होके कितनी बार रहूँगी मतलब यू हैव नो राइट कि आप मुझे आपने सारी चीज़ों के साथ एक्सेप्ट किया था आपने क्यों किया था जब आपका इतना बड़ा दिल नहीं था नहीं होता लड़कों का इतना बड़ा दिल सारे लड़कों को बुरी लगेगी ये बात लेकिन फिर आप इनिशिएटिव मत लें जब आप कह रहे हैं ना दिल बड़ा करके सीना चौड़ा करके मेरी माँ से मेरे बाप से कि जी मैं एक्सेप्ट करूँगा मैं हर जगह इज़्ज़त दिलाऊँगा और ख़ुद ही आप बंद कमरे में तस्लील कर रहे हैं दो दो तीन तीन चार चार घंटे में रो रही हूँ और आपको नहीं समझ में आ रही कोई बात तो ज़िंदगी भर रोने के लिए मैं पैदा नहीं हुई दूर रहो मुझसे फिर ठीक हो मुझे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन हर किसी के नसीब में शादी नहीं होती हर किसी के नसीब में अच्छी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी से मेरा मेरी जिंदगी अलहमदिल्ला बहुत अच्छी है मुझे मेरी औकात से बहुत बढ़ के मेरे अल्लाह ने नवाज़ा है मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली uh, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ मुझे नहीं पता आई डोंट नो स्टिल ही मैं अच्छा हर किसी से इल्ज़ाम लगा देना किसी का भी नाम लेके सी मेरा प्रोफेशन ऐसा है आई टोल्ड यू एवरी थिंग यू हैव माई फोन यू हैव माई लोकेशन यू हैव एक्सेस टू एवरी थिंग यू हैव एक्सेस टू माई आईडीज एवरी थिंग इफ़ समवन इज़ मैसेजिंग मी दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट यू नीड टू सी कि मैं क्या मैसेज कर रही हूँ चलो ये तो हो गई एक पराई बात ना एक प्रोफेशन से रिलेटेड मतलब आप मेरे मामू और चाचा से भी मुझे अगर एक्यूज़ कर दें सो आई हैव नो रीज़न टू लिव विद यू और हर कोई लोग पता नादर शायद ये सोचें कि यार हमेशा इसके साथ ही गलत होता है यही सही होती है हमेशा नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू कैन नॉट एक्यूज़ मी फॉर दैट जो मैंने नहीं किया मैं वो इल्ज़ाम आपका कोई दोस्त है वो अपनी वाइफ के साथ मेरे घर आता था हर सैटरडे मैं इज़्ज़त भी देती थी जैसा छोटा मोटा खाना मुझे बनाना आता है मैं बना के देती थी वो हस्बैंड वाइफ की आपस में सेपरेशन हुई मैंने उनको कभी अलग से फिर अपने घर में नहीं अलाउ किया बिकॉज मुझे वो खुद से बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल से मैं उनको भाई कहती थी शुक्र है मैंने इतनी एहतियात रखी थी आज मेरे ऊपर इल्ज़ाम वो भी है कि मेरा माजल्ला उनसे भी कोई वास्ता था सो दिस इज़ नॉट राइट हाँ दिस इज़ नॉट राइट और आपके पास कोई तस्दीक नहीं है तो क्या अल्लाह आपको इस चीज के लिए माफ करेगा आपने मेरी वफा मेरी लॉयलिटी आपने मेरी हर चीज का मुझे एंड ऑफ द डे अगर ये सिला दिया है देन यू डोंट डिज़र्व अ पर्सन लाइक मी बिकॉज आई हैव अ प्योर हार्ट नो मैटर्स के क्या हुआ, क्या नहीं हुआ हुआ नहीं स्टिल आई कैन चेंज थिंग्स आप दुआ से तकदीर बदल सकते हैं आप सबित कदमी से हर चीज अचीव कर सकते हैं लेकिन एक ऐसी लाइफ जिसमें आपको सिर्फ इल्जाम ताने बदतमीजियां मारपीट पेरेंट्स के सामने हाथ उठाना पाँच पाँच छीचे थप्पड़ एक साथ मार देना मेरी तीन साल की भतीजी रो रही है मतलब उसको समझ आ रही है आप इतने बड़े शख्स हैं आपको समझ नहीं आ रही दिस इज नॉट राइट और ये मैं हमेशा नहीं करूँगी सो बीइंग अपार्ट बींग सेपरेट ऑल वेल बट ही वॉज अ गुड फादर एंड ही वॉज अ गुड पर्सन उन्होंने मेरे भाई के लिए बहुत सपोर्ट किया मेरे भाई को उन्होंने ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ़ माई ब्रदर फॉर पास्ट टेन ईयर्स देवर चाइल्ड हुड फ्रेंड्स मेरे भाई के लिए जो उन्होंने किया मैं उनकी दिल से शुक्र गुजार और जिंदगी भर रहूँगी क्योंकि मेरे भाई का थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का इशू था एंड ही सपोर्टेड माई ब्रदर लाइक एनी थिंग अब वो उन्होंने मुझे पसंद करने में किया किस खैर वो मुझे तो उन्होंने बहुत बाद में देखा क्योंकि अपने भाइयों के दोस्तों के सामने मेरी कभी जाने की आदत नहीं रही बींग मीडिया पर्सन मेरे फिर भी कुछ उसूल है मेरे घर पर कोई गेस्ट आ रहा है मैं नहीं जाऊँगी कोई स्ट्रेंजर आ रहा है मैं नहीं जाऊँगी yeah. you know, मेरी कुछ अपनी चीज है ही वॉज अ गुड पर्सन ही वॉज अ गुड फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट अ गुड हजबेंड बट इट्स ओके स्टिल मुझे लगता है कि ठीक है इफ़ यू एक मी मैं क्या करूँगी इतने इल्जाम ना मतलब कोई भी लड़की क्यों बर्दाश्त करे मेरा सवाल यहाँ पे है, कि उसकी पहले एक डिवोर्स हो गई yeah. उसके लिए पहले लोगों ने गलत बातें कर दी आप क्या कर रहे हैं आप इससे ज्यादा उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं ना yeah. आप सब कुछ जानते बूझते इससे अच्छा आप शादी नहीं करते आप मुझे दूर से पसंद करते रहते वो सही था तो क्या फाइनली वो डिसीजन लेने वाली हैं आप मैं डिसीजन नहीं लूंगी क्योंकि मुझे अब अल्लाह मेरा तो बेटा भी नहीं रहा लेकिन वो ना रह के भी वो मेरा है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नाउ का वाकया इट्स बीन 1 ईयर एंड 2 मंथ्स लास्ट ईयर सितंबर 6 सितंबर ही वाज बोर्न एंड 11 सितंबर ही डाइड एंड ही इज़ नो मोर इस दुनिया के लिए बट मेरे लिए नादिर मैं जब तन्हा होती हूँ मैं अकेली होती हूँ वो मेरे पास होता है लोग मुझे शायद पागल समझे मेरी फैंटिसी समझे अब मैं नादिर मैं ना पहले बड़ी ब्लैंड थी अम्मी अबू से लड़ना क्योंकि मेरी उनसे दोस्ती बहुत आपने ये कर दिया वो कर दिया इस तरह माँ बाप से नहीं करना चाहिए जब मेरा बेटा इस दुनिया से गया ना अब मैं ना ऐसे मुझे दिल भी चाहता है ना क्योंकि नेचर तो है ना थोड़ी सी एग्रेसिव हूँ मैं मैंने दिल चाहता है ना कि मैं रिएक्ट करूं कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला मैं अपनी खासकर अपने पेरेंट्स की बात कर रही हूं तो मैं कहती हूं लेट इट बी क्यों क्योंकि जब तक आप गो थ्रू नहीं करते ना आपको पता ही नहीं है माँ और बाप का दर्जा क्या है वो पल पल जीते हैं पर पल पल मरते हैं अगर आप तकलीफ में होते हैं मेरी जिंदगी के वो छः दिन हाँ वो बहुत बढ़िया आजमाइश थी और मुझे शुक्र है अपने रब का कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि उसने मुझसे मेरी औलाद वापस ली मैंने लोगों के बच्चे पाल के दिए मैं इतना बच्चों से प्यार करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी ईज अच किड्स लवर टाइप का एक लड़का होता है ना वो वैसा लड़का है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक था एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो रोते थे रातों में उठ के तो मैं उनको क्योंकि वो ऐसा लड़का जो किसी चीज़ से डरता नहीं था ही वॉज़ दैट गाय लेकिन अपने बच्चे को अपने हाथ से कबर में उतारने के बाद वो रातों में उठ के रोया करता था वो कहता था बैड के नीचे कोई है वो सब तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि उनके ज़िंदगी में जो भी रिश्तों में कमी रही मैंने बहुत बट स्टिल यू आर नॉट a सुपर मैन यू manage नॉट मैनेज एवरीथिंग मैं इतनी बातें तो करी हूँ लेकिन हो सकता है उनको मुझसे मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है सिवाय इसके कि आप मुझ पर वो एलिगेशन मत लगाए जो कि आप भी जानते हैं कि गलत है ये इतना तो मेरा हक है किसी बीवी का किसी लड़की का किसी दोस्त का किसी बहन का किसी भाई का इतना तो हक होता है कि अगर आप मुझे गलत बात के लिए इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और आप जानते हैं ये मैंने वो नहीं किया तो ऑब्वियसली मैं उस पर रिएक्ट तो करूंगी स्टिल आई चीजें बोलने के लिए तो मैं चुप रहा हर बात पे फरिश्ता मैं नहीं हूं Still, I'm a human being. I'm sorry. बदला लेना चाहे से किससे लेना चाहेंगे अपनी जात पे मैंने आज तक हर किसी को माफ किया है कोई इंसान ऐसा है जिसने आ, मेरी अम्मी पे जादू करवाया फॉर पास्ट टेन ईयर्स मेरा दिल चाहता है मैं उसको जान से मार अच्छा खुदा की कसम क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया की एक ऐसी माँ है जिन्होंने अपने इसलिए नहीं कि किज माई मदर नो शी इज दैट काइंड ऑफ लेडी उनके साथ जिन लोगों ने गलत किया उन्होंने उनकी औलादों को भी जो वो बंदी कर सकती थी ना हमें पीछे तो आपको पता है वो कौन है मैं जानती हूँ वो कौन है और मेरा दिल चाहता है मैं उसके बाल पकड़ूँ और दीवार में मार दूँ उसका मुंह तोड़ दू उसको जान से मार दू क्यों बिकॉज मेरी माँ की मेंटल हेल्थ खराब की मेरी माँ की फिजिकल हेल्थ खराब की एंड आई नो हर और मुझे पता है वो देख रही है और सीधी बात है मैंने हिसाब किताब में नाम निकलवाया ना क्योंकि चीज़ें इतनी गलत हो रही थी कि मतलब दैट वॉज नॉट नॉर्मल मतलब एक बात पे लड़ाई हो रही है या कुछ भी हो रहा है एक बंदा इनसेंस इतना इनसेंसिबल तो नहीं है जैसे वो बिहेव कर रहा है एंड आई गॉट टू नो कि शी इज़ डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट टेन टू इलेवन इयर्स जिसकी वजह से मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ ख़राब हुआ ऑब्वियसली बिकॉज माई मदर इज़ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड एवर इवन माई फादर हमारे घर में इतना प्यार है लेकिन स्टिल अगर कोई इस तरह से आग लगा रहा है तो मैं समझती हूँ वो काबिल कतल है अपनी जात के लिए मैंने ना किसी से बदला लिया है ना देर ना मैं लेना चाहती हूँ लेकिन मेरा अल्लाह वो बदला लेगा कि मैं और आप बैठ के देखेंगे इसी ज़िंदगी में इनशाला लेकिन मेरी माँ के साथ जिसने और ऐसा किया कि मेरे अब्बू और मेरी अम्मी में फूट पड़ जाए और वो लड़ते रहें पागलों की तरह और ये मज़ाक की बात नहीं है ये एग्जिस्ट करता है और लोगों को बिलीव नहीं होगा मुझे है बिकॉज आई हैव बिन गॉन थ्रू विद दिस इन मीडिया एज वेल मुझे खीर खिलाई थी कूंडे की न्यास कह के उसके बाद मैं बिस्तर मर्क पे चली गई थी छः महीने के लिए नाम वाम सब भूल गई थी फिर अल्लाह के किसी ने एक बंदे ने ट्रीटमेंट किया ऑब्वियसली दुआएं है, चीज़े हैं चीज़ें हैं सो दिस इज़ नॉट अ जोक अगर लोग इस बात को मजाक समझे वो बंदी मेरी कज़न है और वो मुझे जहाँ मिली मेरा दिल करता है मैं उसको मार दूँ अच्छा वो आपकी कज़न है मैं हमने साथ एक प्लेटों में खाना खाया जब उसका नाम निकला मैं चीख चीख कर रोने लगी मैंने बोला ये बंदी नहीं हो सकती इसकी तो शादी मेरी माँ ने कराई मेरी माँ ने तो उसके बहनों को घर में रख के पाला है हमें थप्पड़ मार के साइड पे करके हमारे मेरे आए हुए रिश्तों पे उनकी शादियाँ हुई हैं बड़ी बात नहीं कर रही कि नहीं नहीं इनकी शादी ज़रूरी है रिदा की तो हो ही जाएगी इसको दिखा दो इसकी शादी वो माँ मेरी उसके साथ आपने ये किया आपके पूरे ख़ानदान ने ज्यादती की प्रॉपर्टी खाई जो भी किया हम लोग प्रॉपर्टी वापर्टी के पीछे लोग नहीं है मेरे अब्बू कहते हैं घर का सुकून देखो छोड़ो प्रॉपर्टी सब चीज़ें इनके लाइक एंड ने इनके बाप दादाओं ने ये किया मैं बैठ के बोल रही हूँ ऑनियर और उनकी औलादे भी सांप हैं क्यों आपको जादू का सहारा नहीं लेना चाहिए था यू हैड नो राइट कि आप मेरी माँ को मेरे घर को डिस्टर्ब करते हो और मेरा इतना खून खोलता है मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ मैं उसके घर जा रही हूँ उसको मारूंगी मेरा दिल चाहता है मैं उसको बहुत मारूँ पकड़ के उसके तीन बच्चे दिल चाहता है छोटे बच्चे के सर पर कुरान रख के बोलूँ कि खाओ इसकी कसम कि तुम नहीं करोगी अब जादू लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा गिर जाते हैं और आप उस बंदी को देख लें ये चादरें रानी ये नमाज़ें आप कहेंगे रिदा झूठ बोल रही हैं आप किसके बारे में बात कर रही हैं उफ। तो तुम अगर देख रही हो तो ये सोच लो कि जादू करवाना बंद कर दो तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे बेटे हुसैन की कसम कम से ना तुम्हारा बेटा दो बेटियां भी हैं तुम्हारी जी <laughs> मैं थोड़ी पागल हूँ नहीं नहीं बात पता है क्या है बात ये है ये आपके राइट्स हैं आप उस सीट पर बैठी हैं आपको मैं सुनूं पाकिस्तान सुने पूरी दुनिया सुने जो आप कहना चाह रही हैं जो आप निकालना चाह रही थी ऐसा लगा है आज, ना? ऐसा लगा है कि आज कुछ फटा है आपके अंदर से यकीन करें और जिसे देख के बहुत लोगों की फटेगी <laughs> 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 तो मैं बेस्ट विशेष दूंगा Thank आपको इन फ्यूचर आप जो भी करें दिन दोगनी रात चौगुनी तरक्की करें शुक्रिया और बाकी मैं समझता हूँ गलत को गलत कहा जाए गलत करने वाले को गलत ना कहा जाए बिल्कुल तो बेस्ट विशेष थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू आपने मुझे बुलाया आपका बहुत 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 शुक्रिया आपके आने का थैंक यू खुवानों रिदा इसवानी लिया बाकर खानी <laughs> बाकर खानी, <laughs> बाकर खानी। <laughs> मर गई <गए> हमारी नानी अल्लाह <laughs> मख्त करे Allah. आ, रिदा इसवहानी बहुत बहुत शक्रिया मौजूद स्वातिन हजराज इस पॉडकास्ट को करेंगे यहीं अख्ताम मुझे नहीं लगता कि रिदा इस्वहानी की एनर्जी ख़त्म हुई है अभी भी बहुत कुछ बोलना चाहती हैं तो कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो एक नशे और लगाएंगे मुझे ठीक है अच्छा जी इस पॉडकास्ट को अख्ताम करेंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और रिदा को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ